देखिए, जो लोग राजनीति ही करना चाहते हैं और अपने रोटियों को सेकना चाहते हैं, शायद उनको तो जनता ने कई बार आईना दिखाया है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि किराए में बढ़ोतरी हुई थी और इसके पीछे दो कारण थे। एक तो हमारा नागर विमानन क्षेत्र एक सीजनल सेक्टर क्षेत्र होता है, हमारी हाई सीजन होती है और लो सीजन होती है। तो एक तो हाई सीजन का इफेक्ट था और उसी हाई सीजन के दरमियान हमारी एक एयरलाइन की ऑपरेशंस बंद हो गई, तो उसका भी प्रेशर पड़ा और एक्सेस डिमांड भी बढ़ चुका, तो उसके आधार पर जरूर किराए बढ़े थे। मैंने 5 तारीख जून को कंपनी उसके साथ बैठक भी ली है और उसके बाद पिछले 10 दिनों में करीब 16% से 64% किराए घटे भी हैं। किराए के मामले में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दो तरीके के किराए होते हैं। एक जो आप और हम एक लॉन्ग टर्म बुकिंग करें, उसमें पूर्ण रूप से एक सीमा के आधार पे ही किराए लिए जाते हैं, और दूसरा होता है स्पॉट फेयर, जो अगर आपको या हमें अभी जाना पड़े उसमें जो बढ़ोतरी थी उसको भी अब सीमा के अंदर ही हमने उन्हें तैनात कर दिया है और घटौती जो होनी थी वो भी पूर्ण रूप से अब हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।